आइए पढ़ते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट को. वी जस्ट सॉ आईपीसी इंडियन पीनल कोड. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड. लॉ क्लियरली बोल रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी आईपीसी के सेक्शंस हमने पढ़े हैं, वैसा कुछ भी हरकत अगर आप करने वाले हो तो लॉ क्लियरली फॉरबिड कर रहा है. द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट. ऑफकोर्स कभी नहीं करेंगे. बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स, ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो आईपीसी के अगेंस्ट में है, ना वो कॉन्ट्रैक्ट जो उनसे कनेक्टेड है. उनसे कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है सर, अभी बताते हैं. ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कुछ पैसे का लेन देन का, और उसी पैसे से वो टेररिज्म फैलाने वाला था. तो टेररिज्म का कॉन्ट्रैक्ट अलग है और यहां पैसे लेन देन की कॉन्ट्रैक्ट अलग है. तो पैसे का कॉन्ट्रैक्ट को अगर कोर्ट बोलेगा नहीं नहीं ए बी ए को पैसे दे, इसका मतलब क्या है? अगर कोर्ट ये वाला कनेक्ट है ना, दोनों कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट को भी कोर्ट कभी भी नहीं बोलेगा कि आप इसे एनफोर्स करिए या आप ये ड्यूटी पूरा करिए. ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड. इलीगल है तो कंप्लीटली वॉइड है, मगर ऑल वॉइड अग्रीमेंट्स और नॉट नेसेसरली इलीगल. जैसे कि माइनर बच्चा 18 साल के नीचे, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो वॉइड कहलाएगा, मगर इलीगल नहीं कहलाएगा. कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इमोरल और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी. पब्लिक पॉलिसी मतलब पब्लिक, जो देश की जनता है, पब्लिक है. ऐसा कोई भी काम मत करो कि देश में अच्छा नहीं हो, देश की जनता का नुकसान हो जाए, चाहे वो भले ही मॉरली हो, फाइनेंशियली हो, कोई भी तरीके से हो. कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इमोरल. इमोरल तो अपने आप में ही एक स्टेटमेंट है, गलत मॉरालिटी का काम इमोरल. और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जैसे हमने लास्ट आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, कि एक चोर के अगेंस्ट में आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो होना चाहिए उसे आप रोक रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं पब्लिक का नुकसान करने वाले हो. सो कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आर इलीगल इन नेचर. सिमिलरली इफ आर अग्रीज विथ एस टू परचेज ब्राउन शुगर, इट इज एन इलीगल अग्रीमेंट. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2G ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एन अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाई लॉ इज वॉइड. मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आने लग गया होगा ये लॉ का जो लैंग्वेज है, कि जिस अग्रीमेंट को कोर्ट एनफोर्स कभी भी नहीं करेगा कोई भी सिचुएशन पे, या वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता है, तो विच इज़ नॉट एनफोर्सेबल इज वॉइड. द एक्ट हैज स्पेसिफाइड वेरियस फैक्टर्स ड्यू टू विच एन अग्रीमेंट मे बी कंसिडर्ड एज वॉइड. अब एक्ट जो है, द एक्ट कौन सा एक्ट? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. वेरियस फैक्टर्स बता रखा है. जब एक अग्रीमेंट को हम वॉइड कंसिडर कर सकते हैं, वेरियस फैक्टर में से एक ऐसा फैक्टर है, वन ऑफ दीज फैक्टर्स इज अनलॉफुलनेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन. ये समझाया हुआ वापस से आया है दोस्त,
of the contract, that is, illegality of the contract, which makes it void. ये जो भी ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, रेप करने का कॉन्ट्रैक्ट, सोचो दुश्मन है कोई, आपस में ऐसा दुश्मनी निकालना चाह रहा है, मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट, डेकॉयटी करने का कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्जरी करने का कॉन्ट्रैक्ट, देश के दुश्मन से जाके मिल जाने का कॉन्ट्रैक्ट, नेवी को नुकसान पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी जो देश के आईपीसी के अगेंस्ट में, तो ये ऑब्जेक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट का है वो अनलॉफुल है, इलीगल है, तो अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया. द इलीगल एंड वॉइड अग्रीमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स. ये सब डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त. एंड इलीगल अग्रीमेंट आर वॉइड, ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर वॉइड, ऑल. हाउएवर ऑल वॉइड अग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल. डिस्पाइट दिस देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन इलीगल एंड वॉइड अग्रीमेंट्स. एक सिमिलैरिटी भी है. क्या? इन बोथ द केसेस इट इज वॉइड एब इनिशियो. ये वॉइड एब इनिशियो का मीनिंग आपको शायद नहीं पता है. इसका मीनिंग है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. ये एक सिमिलैरिटी बताया जा रहा है. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब से आपने ये अग्रीमेंट बनाना का सोचा भी है, जब से ये अग्रीमेंट बनाने की सोची है आपने, या जब से ये अग्रीमेंट बना दिया है. सोचने से तो अग्रीमेंट नहीं बनता है दोस्त. सो अग्रीमेंट बन गया है और शुरू से ही, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, इट इज वॉइड. इलीगल काम भी शुरू से ही वॉइड है. कोर्ट उस पर एनफोर्स नहीं करने वाला है. और वॉइड अग्रीमेंट भी शुरू से ही वॉइड है. And cannot be enforced by law. Illegal agreements are void since the very beginning. They are invariably described as void ab initio. As already emphasized under the scope, a contract by nature which is valid can subsequently change its character and can become void. अभी आपके दिमाग में ये सवाल आ ही रहा होगा कि सर, कई बार ऐसा होता है कि void ab initio तो नहीं होता है. देखो, जो contract specifically declared to be void है, declared to be void, वो पहले जो हमने पढ़ा है scope में, तो specifically declared to be void है, वो void from the very beginning है. मगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो शुरू में वैलिड होते हैं, सब्सिक्वेंटली चेंज द कैरेक्टर एंड कैन बिकम वॉइड. अब आप बताएंगे मुझे, ये सब्सिक्वेंट चेंज जो हो, सब्सिक्वेंट, ये कब होता है? सब्सिक्वेंट चेंज के लिए सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ये शब्द का प्रयोग किया जाता है. जैसे कि मैं प्रॉमिस किया था कि एक किताब लिखूंगा एक पब्लिशर को, अब मैं मर गया. याद है, मैं मर गया था. एक शुगर का एग्जांपल दिया था मैंने, फैक्ट्री में आग लग गई, इम्पॉसिबल हो गया. संग ही संग हमने ये भी बताया था कि देश में कानून का बदलाव आया है और कहा गया है कि अभी से लेकर 3 महीने तक, जब तक गवर्नमेंट ये नया नोटिफिकेशन नहीं इशू करे, शुगर का खरीदना और बेचना बैंड है. लॉ में चेंज आ गया. सो जो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक वैलिड था, अब वो वॉइड बन गया है. अब हम बात करेंगे कोलैटरल ट्रांजैक्शन. जैसे अभी हमने बताया था,
कि टेररिज्म फैलाना है, मेन मकसद वो है, उससे रिलेटेड अगर कोई और कोई ट्रांजैक्शन है। इन केस ऑफ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इवन द कोलैटरल ट्रांजैक्शंस, नेमली ट्रांजैक्शंस व्हिच आर टू बी कंप्लाइड विथ बिफोर और आफ्टर और कॉन्करेंटली या साथ साथ करेंगे या पहले ये करेंगे या बाद में ये करेंगे अलॉन्ग विद द मेन कॉन्ट्रैक्ट। मेन कॉन्ट्रैक्ट है किसी को मर्डर करने का, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है कि देखो मैं उसे मर्डर तो कर दूंगा बट तुम ये वादा करो मेरे बच्चों का फीस तुम हमेशा पेमेंट करोगे। तो एक तरह से अगर बच्चे का फीस का पेमेंट का बात अगर हो रहा है तो अगर हम मर्डर को हटा दें तो ये तो नेचुरल पार्लेंस में एक नॉर्मल सा कॉन्ट्रैक्ट लगता है कि भाई मैंने इस बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी मैंने लिया है तो क्या दिक्कत है, मैं ले ही सकता हूँ, मगर मैंने इसलिए जिम्मेदारी ली है क्योंकि आप मर्डर करोगे मेरे लिए किसी का। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जो कनेक्टेड है, कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। क्या हमें बढ़ावा देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। नहीं 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 नहीं, मर्डर का एक समझ लो 5 लाख रुपया का एक तय हुआ है मर्डर करने के लिए और साथ साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ है। कोलैटरल मतलब क्या है? कोलैटरल ट्रांजैक्शन, एक तो ट्रांजैक्शन है ही मर्डर करने का मगर साथ साथ मर्डर करेंगे 5 लाख नगद कैश, मगर साथ साथ सिर्फ 5 लाख में नहीं होगा, मुझे 10 लाख रुपया चाहिए। देख भाई 10 लाख एक झटके पे तो नहीं दे सकता हूँ, बट एक काम कर 5 लाख ऐसे ले ले और 5 लाख जो है मैं तेरे बच्चे का फीस पेमेंट करता रहूंगा, आजीवन पेमेंट करूंगा, 10 साल तक पेमेंट करूंगा, बल्कि 5 लाख के जगह मैं तुम्हें इंस्टॉलमेंट अगर तू मेरे को दे दे तो मैं तेरे को 10 लाख रुपये दे दूंगा। और कैसे दूंगा? फीस पेमेंट के रूप में दूंगा। अच्छा पक्का ना? अरे भाई एक काम कर, तेरा स्कूल का जो ECS होता ना वो ले आ, मैं साइन कर दे रहा हूं। तो कोलैटरल हो गया, ठीक है। सो इस सिचुएशन पे कोलैटरल, अब मैं मर्डर करके आ गया, अब मैं जज को बोलूंगा, जज साहब ठीक है भाई मैंने मर्डर किया, ये कॉन्ट्रैक्ट मर्डर का 5 लाख जो है ये गलत था, इलीगल था, पर ये ECS वाला कॉन्ट्रैक्ट देखिए अब वो पैसे नहीं दे रहा, मेरे बच्चों का क्या होगा? जज साहब ये पैसे तो दिलाइए, जज साहब प्लीज, जज साहब। अगर ऐसा अगर जज बोले कि ठीक है मर्डर किया था उसका तो मैं तुम्हें सजा दे दे रहा हूं, उसके लिए तो मैं तुम्हें फांसी पे लगा दे रहा हूं, मगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट था जो स्कूल का पैसा देने का बात था वो तो भाई देना चाहिए तेरे को। तो इसका मतलब ये कि बहुत सारे गरीब लोग जिनके पास पैसे नहीं है वो गलत काम करेंगे, गलत काम करके भी समझ लो अदालत में सरेंडर कर देंगे, एक गलत काम हमने किया, मैं गरीब आदमी हूँ, खाने को दाना नहीं है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, बट कम से कम मेरे बच्चों का स्कूल फीस कुछ भी है वो फ्यूचर का कुछ मैंने सिक्योर कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि ये कोलैटरल ट्रांजैक्शन कोर्ट को अलाउ कर देना चाहिए? बताइए, इससे क्या होगा? इससे देश का पूरा सिचुएशन, क्रिमिनल्स लोग क्या करेंगे? एक काम किए ठीक है भाई ये काम का मुझे सजा दे दो बट साथ में ये तो सही काम है, क्लियर। इसीलिए कोलैटरल जो भी इलीगल के साथ जितना भी कोलैटरल ट्रांजैक्शन है वो अगर अलग से हम देखेंगे तो लगेगा हाँ एकदम नॉर्मल सा रिएक्शन है, नॉर्मल सा ट्रांजैक्शन है, बट जब हम जोड़ के देखेंगे अच्छा ये स्कूल का फी पेमेंट तुम तभी कर रहे हो क्योंकि उसने मर्डर किया था, राइट? अगर वो मर्डर नहीं करता तुम्हारे लिए तो क्या तुम स्कूल का फी पेमेंट कर रहे होते? नहीं कर रहे होते। तो क्या स्कूल फी का पेमेंट, मर्डर किया मैंने फांसी दे दो बट ये स्कूल फी पेमेंट के लिए आप जज साहब प्लीज ये मुझे मिलना चाहिए क्योंकि इससे मेरे बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, बताइए जज को क्या कहना चाहिए? बताइए, यही बोलेंगे ना जज साहब कि नहीं नहीं मैं कैसे अलाउ कर दूं। सो कॉन्करेंटली अलॉन्ग विद द मेन कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो बिकम नॉट एनफोर्सेबल। देखो वॉइड हो गया, कानून के किताब में लिखा हुआ वॉइड हो गया, रट लिया हमने, ऐसा मत समझो। ये समझो कि अगर अलाउ हो जाए तो क्या वो टेक्निकली समाज के लिए सही है क्या? बस इस तरीके से समझो। इन कॉन्ट्रास्ट इन द केस ऑफ
void able contracts, the collateral transactions can be enforced despite the fact that the main contract may have become voidable to the extent the collateral transactions are capable of being performed independently. अब जैसे sugar का contract था, अब देश का कानून change हो गया, ठीक है? और बताया गया था कि देखो भाई, जैसे मैं 100 किलो sugar ले रहा हूँ, तो मैं साथ साथ 20 किलो नमक भी लूँगा, उसी ratio में मेरा contract है, क्योंकि मेरा बिक्री जो है ना, अगर 100 किलो चीनी बेचता हूँ, तो 20 किलो मैं नमक बेचता हूँ, तो जैसा मैंने जितना तुम चीनी दोगे उसका 20% मुझे नमक देते रहना, तो नमक देने में तो यार कोई दिक्कत नहीं है, इंडिपेंडेंट है, कोई बैंड नहीं है उसमें। तो यहाँ पर चीनी वाला कॉन्ट्रैक्ट तो एनफोर्स नहीं होगा, बट जज साहब देखिए चीनी तो चलो देश की सरकार ने बैन लगा दिया है, जज साहब मुझे नमक नहीं दे रहा है। अरे नमक क्यों नहीं दे रहा है, चल दे इसको, ठीक है, तो एनफोर्सेबल हो जाएगा। ये जब सब्सिक्वेंट वॉइड हो सकता है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, वॉइड डिफरेंस बता रहे हैं हम आपको इलीगल और वॉइड के बीच में। जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है बट सब्सिक्वेंटली वॉइडेबल हो गया या वॉइड हो गया, ये लैंग्वेज जो है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, इन कॉन्ट्रास्ट इन द केस ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये वॉइडेबल लिखा है इन्होंने। जनरली अभी हमने जो बताया, बेसिकली एक सब्सिक्वेंटली जो कॉन्ट्रैक्ट अभी वैलिड है बट आगे जाके वो वॉइड होने वाला है, या अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का बात करें तो वॉइडेबल में फ्री कंसेंट नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये वॉइडेबल, ये कहीं ना कहीं दिस शुड बी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं वॉइड एंड इलीगल का, तो कहीं ना कहीं ये लैंग्वेज का एरर है, ठीक है। सब्सिक्वेंटली जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होने वाला है, ठीक है। पेनल्टी और पनिशमेंट, ऑल इलीगल अग्रीमेंट्स आर पनिशेबल अंडर डिफरेंट लॉज, से लाइक इंडियन पीनल कोड एटसेट्रा, whereas parties to void agreements do not face such penalties or punishment, ठीक है, punishment वाला कोई बात नहीं है। अब इंसान मर गया, factory में आग लग गई, ऐसे ही तो punishment हो गया उसके लिए, या देश ने कानून बदल दिया, right? तो देश ने कानून बदल दिया, देश ने कानून अगर बदल दिया है आपको वो काम नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही कानून बदला नया कानून आ गया, जो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड था अब आपको वो काम नहीं करना है, वॉइड हो गया वो। मगर कानून बदलने के बाद भी अगर आप वो काम कर रहे हो तो बेसिकली कानून के अगेंस्ट में जाकर आपने काम किया, कानून के अगेंस्ट में जाकर अगर आपने काम किया तो वो अनलॉफुल या इलीगल कहलाएगा, तब पनिशमेंट मिलेगा। जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया है वो कैंसिल हो गया, उसके लिए कोई पेनल्टी आपस में क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। ये बहुत फेवरेट है दोस्त एग्जामिनर का, इसे अच्छे से समझिए। वापस से, अ वॉइड अग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरली इलीगल, एन इलीगल अग्रीमेंट इज ऑलवेज वॉइड। वॉइड अग्रीमेंट जो है नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ, illegal agreement forbidden under law. Parties are not liable for any punishment under law. Parties to an illegal agreements are liable for punishment. Collateral mein kya hota hai? Void agreement. It is not necessary that agreements collateral to the void agreements may also be void. It may be valid also. To ye dekhiye differences mein aa gaya na, void ka hi baat kar rahe hain. To upar mein dost ye jo voidable hai, so in contrast in case of void contracts karo. Agreements collateral to illegal agreements are always void. Point number 5 में आ गए हैं,
unenforceable contract, where a contract is good in substance, but because of some technical defect, that is absence in writing, barred by limitation. Limitation matlab ki ye aap 3 saal tak hi claim kar sakte the, but ab 3.5 saal ho gaye, ab jaiye, ab isko entertain nahi kiya jayega, enforce nahi kara sakte. One or both of the parties cannot sue upon it. It is described as an unenforceable contract. अब हम दूसरा बेसिस करेंगे, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. अ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इफ द टर्म्स आर एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स और इन राइटिंग. सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट इफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स, द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस. A tells B on telephone that he offers to sell his house for 2 lakhs and B in reply informs A that he accepts the offer. This is an express contract. अब बात करेंगे implied. कहा हमने कुछ नहीं, समझ जाइए. Implied contracts in contrast come into existence by implication. Most often the implication is by law. ये important है, implication चाहे तो law से है या action से है. शब्दों में हमने कुछ नहीं कहा, implication law से है. law का implication का जैसे मैंने आपको बताया था ना, 50,000 रुपए cash मेरे ऑफिस में किसी ने रख दिया गलती से, या छोड़ दिया, या भूल गया, और उसी दिन बाबा ज्योतिषी ने कहा था मुझे कि बेटा तेरे पास अचानक से कोई धन आने वाला है. तो मैंने बोला जय बाबा की, जय बाबा की, बाबा की देखो प्रेडिक्शन एकदम सच है, आज ही 50,000 रुपए का कमाई हो गया. ये 50,000 मेरा है डार्लिंग, डार्लिंग डोंट वरी, जो साड़ी तुमने पसंद की थी वो महंगा जरूर है, बट जाओ खरीद लो, मेरी लॉटरी लग गई है. बाबा का प्रेडिक्शन, बाबा का प्रसाद. नहीं दोस्त, लॉ मारेगा पकड़ के तुम्हें. इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ है, इम्प्लाइड है. इम्प्लाइड, अरे भाई समझ जाओ, खुद से ही समझ जाओ, ये पैसे तुम्हारे नहीं है. अनजस्ट, अनजस्ट एनरिचमेंट कहता है लॉ. अनजस्ट, जस्टिफाइड नहीं है कि कोई पैसा छोड़कर चला गया और तुम रिच हो जाओ. अनजस्ट एनरिचमेंट नॉट अलाउड. सो इट इज इम्प्लाइड कि आपको ये पैसे वापस देने. सो ये बन गया इम्प्लाइड, बिना कहे जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, इम्प्लीकेशन आ जाए या कुछ एक्शन हो जाए. एक्शन कहा कुछ नहीं, बस वही टैक्सी वाला, बस मैंने हाथ रोका, हाथ दिखाया, सीटी बजाई और बैठ गए हम. सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट कॉन्टेम्पलेट सच इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन इट लेज डाउन that in so far as such proposal or acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be implied. कहने का मतलब ये promise implied हो गया है दोस्त. Proposal and acceptance का बात कर रहे हैं. Proposal, acceptance, याद करो वो जो chain था अपना. Proposal के बाद acceptance, उसके बाद आता था प्रॉमिस. तो यहां पर जब प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस खामोशी से हो रही है, बिना शब्दों से हो रहा है, तो द प्रॉमिस इज सेड टू बी इंप्लाइड. हमने वादा कर दिया है भाई, समझ में आ गया, ये वादा है. वेयर अ कूली इन यूनिफॉर्म पिक्स अप द लगेज. देखो कितना इंपॉर्टेंट बात है, कूली इन यूनिफॉर्म. अब इमेजिन करो हावड़ा स्टेशन पे आप हो, एक कूली जो यूनिफॉर्म में है, जब वो आपका सूटकेस या लगेज उठा रहा है तो आपको ये पता है कि वो चोर नहीं है, कूली है, वो आपको हेल्प करना चाहता है, उसने कुछ कहा आपसे. बट इमेजिन करो बिना कोई ड्रेस कोड के कोई बंदा लगेज उठाए, तुरंत आप पकड़ के कॉलर पकड़ के मारोगे, ए चोर कहीं के, मेरा लगेज लेके भाग रहे थे.
भाई साहब आपने भी देखा ना, ये देखिए, ये इंसान पकड़िए पकड़िए पकड़िए, चोर है पकड़िए इसको, मारना इसको, ए पुलिस को फोन करो। मगर जब भी कोई कूली यूनिफॉर्म में वो आके दौड़ के, दो कूली वापस दौड़ के आ रहे, रेस लगा के दो कूली आ रहे हैं, साहब मैं पहले, ए तू जा, मैंने उठाया पहले। तो जब वो कूली लगेज उठा रहा है, बात कुछ नहीं हो रहा है, कूली लगेज उठा रहा है और वो लेकर चल रहा है, और आप भी कुछ नहीं कह रहे हो, आप चाहते थे, आप थके हुए थे कि कोई कूली आ जाए यार, और कूली आ गया, कूली लगेज उठा लिया, कूली लेकर चल रहा है, आप कूली आगे आगे, आप पीछे पीछे, आपकी नज़र कूली पर, आपकी नज़र अपने बक्से पर, और लास्ट में जब आपके घर की गाड़ी आती है और कूली सामान रखता है नीचे, साहब 100 रुपये, और आप बोलते हो अरे भाई अपने पैसा का तो कोई बात ही नहीं हुआ था। कैसा पैसा भाई, तू खुद ही आया दौड़ के, मुझे लगा कि तुम लोग दोनों के बीच में कोई रेस है, पैसे की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। वो सब के सब जितने कूली एसोसिएशन के लोग हैं, वो सब आके तुम्हें मारना शुरू करेंगे, अरे क्या साहब इतना बड़ा कोट पहन के ऐसा गंदा बात करते हो, कूली का पैसा मारते हो। तब आपको समझ में आएगा कि नहीं नहीं यार, ये तो मैं गलत कर रहा था, मैं ज्यादा लॉ पढ़ लिया हूँ, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं था, सर तो बताए थे कि कॉन्ट्रैक्ट तो जब शब्दों से होगा, ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा, मैंने तो भाई तेरे को कोई ऑफर दिया नहीं, तूने कोई एक्सेप्ट किया नहीं, तो कैसा पैसा। तो दोस्त इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलकर भी कोई चीज है, ठीक है, तो ऐसा समझ लेना, इस सिचुएशन पे आपको पैसे देने हैं। वेर कूली इन यूनिफॉर्म पिक्स अप द लगेज ऑफ ए टू बी कैरिड आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय ए, ए ने कुछ नहीं कहा, एंड ए अलाउज हिम टू डू सो, इट इज अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, एंड ए मस्ट पे फॉर द सर्विसेज ऑफ द कूली डिटेल्ड बाय हिम। Yes, friends, now we come to tacit contracts. These tacit contracts also come under implied contracts. Okay, see, it is not a separate form of contract, but falls within the scope of implied contracts. अब एक सवाल आप पूछ सकते हो कि सर जब implied contract हम समझ चुके हैं, वही कूली वाला example जो दिया था, तो अलग से ये tacit contract लाने का क्या दरकार था। अब देखो जो भी ये दरकार था नहीं था उस पर मत जाओ, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड टैसिट कॉन्ट्रैक्ट मोर ऑर लेस एक ही है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में हम देखे थे, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लीकेशन आ रहा था बाय लॉ या बाय एक्शन, तो मैं ये कहूँगा एक्शन में हम ये समझें कि ह्यूमन एक्शन, ओके, ह्यूमन एक्शन की बात है, ह्यूमन एक्शन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर इमेजिन करो एक्शन मशीन कर रहा है कुछ, या कोई हैमर कर रहा है, हैमर, तो क्या ये मशीन या हैमर ह्यूमन है? नहीं सर, ये तो ह्यूमन नहीं है। ओके, तो यही समझो कि सब कुछ सेम है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ह्यूमन एक्शन भी नहीं है, और कोई इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ भी नहीं है। एक्शन करने वाला है लेट्स से ATM मशीन, या एक कोई हैमर कोई एक्शन कर रहा है। हैमर एक्शन कब करता है याद करो, हिंदी फिल्मों में देखा हमने, ऑक्शन होता है, ऑक्शन, 1,21,00,000 में ये पेंटिंग जा रही है उस खूबसूरत महिला को, 1,21,00,000, 1,21,00,002, और पीछे से टिक टॉक करते एक और सुंदर सी महिला आती है, 2,00,00,000। इसी तरीका से जब लास्ट में 1,02,01,00,000, 2,02,02,00,000 और 2,03,03,00,000 और हैमर उठा के ऑक्शनियर ने मारा, धूम, एंड यस दिस पेंटिंग इज सोल्ड। तो वो एक्शन था हैमर का, वो हैमर जब भी मारा तो मतलब डील फाइनल। तो इस सिचुएशन पे हैमर से काम हो रहा है, ठीक है।
एटीएम मशीन में आपने अपना नंबर वगैरह डाला, मशीन ने पैसे दे दिए, आप बात थोड़ी ना करो एटीएम मशीन से, तो इसे कहते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। आइए इसको पढ़ लेते हैं। द वर्ड टैसिट मीन साइलेंट, बेसिकली साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट समझ लो। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज दैट आर इन्फर्ड थ्रू द कंडक्ट ऑफ पार्टीज विदाउट एनी वर्ड्स स्पोकन और रिटन। अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट वुड बी व्हेन कैश इज विदड्रॉन बाय कस्टमर ऑफ अ बैंक फ्रॉम ऑटोमेटिक टेलर मशीन। Another example of tacit contract is where a contract is assumed to have been entered when a sale is given effect to the fall of a hammer in the auction sale. आइए अब जल्द से हम पहुंचते हैं quasi contract में। Quasi contract दोस्त ये वही है जिसका चर्चा मैंने दो एक बार पहले कर रखा है, वही जोशी वाली बात कि किसी ने आपके घर पर या ऑफिस पे कुछ छोड़ दिया, 50,000 रुपये का लॉटरी लग गया, तो वही चीज़ है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने किया नहीं था ना, जो भाई साहब ने 50,000 रुपया छोड़ दिया था गलती से, मेरा कोई ऑब्लिगेशन था क्या? मगर लॉ जो है, लॉ देश का कानून मेरे सर के ऊपर एक ऑब्लिगेशन का बोझ डाल देता है कि भाई अब तुम्हें खोजना होगा उसे। इसका मतलब यह है कि जब वो पैसे छोड़कर जा रहा था उसी समय ही अगर मैं बोलता, अरे विनोद भाई ये वॉलेट आपका छूट गया है, जब मुझे अल्टीमेटली ये काम करना ही है, लॉ के ऊपर से बहुत भारी प्रेशर है भाई, नहीं कर सकते हैं चोरी हम एक तरह से। ये नहीं, नहीं मैंने कहाँ चोरी किया, मैंने तो चोरी नहीं की, वो अपने मर्जी से गलती से छोड़कर गया वॉलेट, मेरी क्या गलती है। तो ये सब मन को बहलाने फुसलाने वाली जो बातें हैं, जहां आप अपने आप को प्रूफ कर लेते हो कि नहीं नहीं मेरी तो कोई गलती नहीं है, ये तो साक्षात भगवान की इच्छा थी। देखो अगर भगवान चाहते हैं तो भगवान ने प्रेरणा दिया होगा उसे, कुछ कुछ हम लोग बोलते हैं अपने मन को समझा लेते हैं, मगर लॉ जो है देश का कानून आपके ऊपर एक दबाव डालता है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन है। तो कहने का मतलब है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जब हम बोलते हैं एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट का जो अंदर का हिस्सा है ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रैक्ट में एक ड्यूटी बनता है, तो एक्चुअली में तो मेरा कोई ड्यूटी बनना नहीं चाहिए क्योंकि एक्चुअल में तो मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं, बट किया नहीं फिर भी इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट। रिजेंबल मतलब कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही ड्यूटी बन गया। आगे पढ़ते हैं, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। किसने क्रिएट किया? देश का कानून ने क्रिएट किया। कब करेगा? अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस। अगर वो पैसे छोड़ के जाता ही नहीं तो लॉ भी कुछ नहीं बोलता। सर्कमस्टेंस ऐसा आया कि मैं पॉकेट में पैसे रख के अपनी वाइफ को शॉपिंग पे लेके जा रहा हूं, बट लॉ बीच में आ जाएगा कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते हो। अब लॉ देखो क्या बोलता है। द लॉ क्रिएट्स एंड एनफोर्सेस। क्रिएट भी कर रहा है लॉ। अभी तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पार्टीज अलग अलग थी, राइट? पार्टीज अपने बीच में म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस को क्रिएट कर रही थी। ये फर्स्ट टाइम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में मेरे दोस्त आपके सामने है लॉ, और लॉ क्रिएट कर रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है? लॉ एक राइट क्रिएट कर रहा है, लॉ उसे एनफोर्स भी कर रहा है। लॉ क्रिएट्स एंड एनफोर्सेस लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस व्हेन नो रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट। रियलिटी में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट मैं कानून हूं, मैं देश का कानून हूं, मैं कह रहा हूं। सच ऑब्लिगेशंस आर नोन एज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। इन अनदर वर्ड्स, भाई मेरे हिसाब से तो इसी शब्द में आप समझ चुके होंगे, फिर भी शब्द को घुमा के आपको समझाने की प्रयत्न कर रहे हैं। ICAI का स्टडी मटेरियल और आप समझ चुके हो। इन अदर वर्ड्स, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच देर इज नो इंटेंशन
पार्ट ऑफ ईदर पार्टी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो ये एमसीक्यू तो चलो आजकल नहीं आ रहे, मगर अगर आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा आ गया कि दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर देयर इज नो इंटेंशन पार्ट ऑफ ईदर पार्टी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, वुड यू क्लासीफाई इट एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड इफ येस प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। बट लॉ इम्पोजेज अ कॉन्ट्रैक्ट अपॉन द पार्टीज, बात वही है, आप समझ चुके हो। एग्जाम्पल देखते हैं, ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न देम टू द ट्रू ओनर। लॉस्ट गुड्स को मिला है वही आपको ट्रू ओनर को खोज के रिटर्न करना है। या लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज पेड अंडर मिस्टेक। भाई साहब ये क्या गुप्ता जी का घर है? हाँ जी, नहीं क्या बात है बताइए। नहीं भाई साहब वो वर्मा जी ना 5 लाख रुपया भेजे हैं गुप्ता जी को देने का बात था। अब आप गुप्ता जी तो नहीं हो बट 5 लाख रुपए सुनकर आप ले लिए, या चलो मिस्टेक से हुआ है, गलती से वो बस एक पैकेट पकड़ा के चले गए जी, भाभी जी भैया भाई साहब जब आएंगे ना तो ये पैकेट उन्हें दे दीजिएगा। वो पूछा भी नहीं भाई साहब कौन से भाई साहब, गुप्ता जी या कोई भी, बस भाभी जी ये पैकेट जो है रखिए, भाई साहब जब आएंगे तो दे दीजिएगा। ठीक है जी, गलती से पैसे आ गए। अब वापस से आप बोले देखो ज्योतिषी ने कहा था, रुपए आ गए घर पे अपने आप चलकर। रुपए देखो जब किस्मत साथ देता ना तो रुपया खुद ब खुद चल के आता है भाग्यवान। दीपावली का टाइम है भाग्यवान, धनतेरस का दिन है, आ गए रुपए हमारे पास। नहीं जी धनतेरस का आया हुआ रुपया तो मैं लौटाऊंगा नहीं, नहीं नहीं लक्ष्मी माँ नाराज हो जाएगी, मैं कैसे कर सकता हूँ। लॉ मारेगा आपके सर पे 2 डंडा। ठीक है, तो हुम मनी इज पेड अंडर मिस्टेक टू रीपे इट बैक कैन नॉट बी सेट टू अराइज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इवन इन द रिमोटेस्ट सेंस। ऑफकोर्स ये पैसा देने का जो ऑब्लिगेशन है, मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बनाया था। एज देर इज नीदर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नॉर कंसेंट, ना ऑफर है इसमें, ना एक्सेप्टेंस है, ना कंसेंट है। These are said to be quasi contracts. So, आपसे question पूछा जा सकता है, name a contract where there is neither an offer, nor an acceptance, nor consent. अब आप सोचोगे कि सर तो पढ़ाए थे starting में कि offer contract होने के लिए offer होना चाहिए, acceptance होना चाहिए, consent होना चाहिए। ये कैसा contract है भाई जहाँ ना ऑफर है ना एक्सेप्टेंस है? हाँ बेवकूफ़ बना रहा हम लोगों को, तो नहीं दोस्त बेवकूफ़ नहीं बना रहा। तो ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ ऑफर भी नहीं है, एक्सेप्टेंस भी नहीं है, कंसेंट भी नहीं है, इंटेंशन भी नहीं था आपका। तो दोस्त याद रख लो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। चलिए अब जमाना बदल गया है, ई कॉन्ट्रैक्ट्स का जमाना आ गया, ई कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ये लेटेस्ट है, इस स्टडी मटेरियल में ऐड किया गया है। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू बाय 2 or more parties यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सच एज ई मेल्स इज नोन एज ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। ई मेल आपको सब पता है, मैं ये तो समझाने की दरकार ही नहीं है। इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ई कॉमर्स डिफरेंट पार्टीज पर्सन क्रिएट नेटवर्क्स which are linked to other networks through EDI, that is electronic data interchange. This helps in doing business transactions using electronic mode. These are known as EDI contracts or cyber contracts or mouse click contracts. So, naam, bahut sare naam hai. EDI contracts bhi, cyber contracts bhi, ya mouse click contracts. Arre, mouse ka button dabaya aur ye logic kaam ho gaya. So, mouse click contracts. अब दोस्त बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस का बात है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट द कंसिडरेशन इन अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट और फॉरबियरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कंसिडरेशन तो आपको समझ में आ चुका है, कुछ मुझे देना है, जनरली हम मानते हैं कि कुछ देना है या कुछ करना है, और कभी कभी कुछ नहीं करना भी कंसिडरेशन है। फॉरबियरेंस मतलब
एक्ट ऑफ वॉर बियरेंस मतलब हम नहीं करेंगे, ठीक है, उस टेरिटरी पे हम माल नहीं बेचेंगे, उसके लिए आप मुझे कंपेंसेशन दे रहे हो, ठीक है। अब इस पे चर्चा डिटेल में हो सकता है कि नहीं, ये तो रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का बात हो रहा है, मगर कहीं कहीं सिचुएशंस पर कुछ कुछ, जैसे फ्रेंचाइजी है तो आप कुछ अग्रीमेंट किए हो, कॉन्ट्रैक्ट किए हो कि नहीं आपको ये काम नहीं करना है और वो रीजनेबल है, तो ठीक है, आपको ये काम नहीं करना है, नहीं करने का भी पैसा है, तो ये भी एक तरीका का काम हो गया। तो कंसिडरेशन जो है, कुछ करने का भी बात है कंसिडरेशन, और कुछ नहीं करने का भी बात को हम कंसिडरेशन कहते हैं, जिसे फोरबियरेंस कहते हैं। When the act is done or executed, or the forbearance is brought on record, then the contract is an executed contract. Executed, काम हो गया है। Example, when the grocer sells a sugar on cash payment, it is an executed contract because both the parties have done what they were to do अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। पैसे देने थे एक आदमी को, दूसरे आदमी को चीनी देना था, दोनों इंसान ने काम कर दिया। जब काम हो गया है, दोनों इंसान ने अपना अपना काम कर दिया है, तो दोस्त जब काम कुछ भी बाकी नहीं है, सारा काम हो चुका है, कोई भी काम पेंडिंग नहीं है, सारे काम हो चुके हैं, executed past tense, executory काम बाकी है, picture अभी बाकी है मेरे दोस्त, in an executory contract the consideration is reciprocal promise, consideration is reciprocal promise, ये आपको बता है, ये वापस से revision कराया जा रहा है, कंसिडरेशन है जिसे हम रेसिप्रोकल प्रॉमिस के नाम से जानते हैं, या जिसे हम ऑब्लिगेशन भी कहते हैं, और ऐसा कंसिडरेशन, ऐसा रेसिप्रोकल प्रॉमिस या ऐसा ऑब्लिगेशन, सच कंसिडरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर ओनली एंड देयरफॉर These contracts are described as executory contracts. Future की बात है. Where G agrees to take the tuition of H, a pre-engineering student, from the next month, and H, in consideration, promises to pay G 1,000 per month. The contract is executory because it is yet to be carried out. सीधा सीधी बात है, ट्यूशन सेंटर पे गए हैं, आजकल तो होता ना कि बाद में सीट नहीं मिलेगा, जल्दी जल्दी चले जाओ, फॉर्म फिलअप कर दो, पैसे नहीं देना अभी, बट फॉर्म फिलअप कर दो, ठीक है, 1,000 रुपया पर मंथ है, ये फीस भी सब पता कर दिया आपने, फॉर्म फिलअप कर दिया, जो इंसान फॉर्म फिलअप करेगा वो हम मानेंगे कि चलो ठीक है, आपको हम पहला कंसिडरेशन करेंगे, वी विल कंसिडर योर केस। सो इस सिचुएशन पे काम आपको भी 1,000 रुपया, मतलब आप अग्री कर रहे हो कि चलो 1,000 रुपया देंगे हम, और मैं भी पढ़ाने का बात कर ही रहा हूँ, तो बस काम अभी बाकी है, आपको पैसे देने बाकी है, मुझे पढ़ाना बाकी है, तो एग्जीक्यूटरी फ्यूचर में, दोनों भाई साहब, दोनों पार्टी फ्यूचर में काम करेंगे। यहाँ तो ये है कि दोनों इंसान ने अग्री कर लिया है कि दोनों व्यक्ति, पार्टी वन एंड पार्टी टू, टीचर रेडी है पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट रेडी है पैसे देने के लिए। दिया क्या? पैसे नहीं, पैसे दिया तो नहीं, और तो पढ़ाया क्या? नहीं, अभी तक तो पढ़ाया तो नहीं, दोनों पार्टियों का काम पेंडिंग है। जैसे मैंने क्रिकेट का एग्जांपल दिया था, अभी मैच खेलना बाकी है, राइट। सो जब दोनों पार्टियों का काम बाकी रहता है, तो इसे कहते हैं बाईलैटरल, बाई मतलब दो। अब यही एग्जीक्यूटरी को दो जगह डिवाइड किया गया, यूनिलैटरल या बाईलैटरल। तो यहां जो हमने बात किया है, ये बाईलैटरल कॉन्ट्रैक्ट था। Unilateral and bilateral are kinds of executory contracts and are not separate kinds. अब unilateral का बात करते हैं।
Unilateral contract is one-sided contract in which one party has performed his duty or obligation and the other party's obligation is outstanding. M advertises payment of reward of 5,000. ये कुछ mistake है. Payment of a reward है, ठीक है? ये थोड़ा सा space का गलती है. To anyone who finds his missing boy and brings him, as soon as B traces the boy, there comes into existence an executed contract. Because B has performed his share of obligation and it remains for M to pay the amount of reward to B. This type of executory contract is also called unilateral contract. यहाँ मुझे कुछ डाउट लग रहा है. ये मेरे ख्याल से ये जो executed contract लिखा हुआ ना दोस्तों, ये सोचने की बात है. ये मेरे हिसाब से ये एग्जीक्यूटेड के जगह एग्जीक्यूटरी होना चाहिए, राइट? या अपने ये माने कि कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, देयर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई मेन मुद्दा था बच्चों को खोजने का, तो वो काम तो हो ही गया, ठीक है? इस पूरा कॉन्ट्रैक्ट को अगर समझेंगे तो मेन मुद्दा था बच्चे को खोजने का, तो वो काम हो गया है. और अब बाकी क्या है? बाकी है सिर्फ पैसे देने का बात. तो देयर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. अब देखो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगेगा कि बात एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का है और नेक्स्ट लाइन पे बोल रहा है ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है. ये लैंग्वेज या स्पेलिंग एरर हो सकता है, या अगर हमें नहीं भी समझना है तो ये समझिए कि एग्जीक्यूट हो गया कॉन्ट्रैक्ट, मेन मुद्दा था बच्चे को खोजने का, वो हो गया है, मगर बच्चे को, अच्छा वैसे भी देखा जाए तो पैसे तो बच्चे को खोजने के बाद ही मिलेगा, तो बच्चे को खोजते के साथ ही ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया, मगर क्योंकि पैसे नहीं मिले हैं तो एक इंसान का काम अभी बाकी है, तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हो गया. और ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है. अब बाइलैटरल में, जैसे मैंने बताया था, फ्लाइट का टिकट का पैसा आपने दे दिया है और बस आपको एयरक्राफ्ट लेकर जाएगा, ये भी यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर द ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस इज आउटस्टैंडिंग ऑन पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज. ए प्रोमिसेस टू सेल हिज प्लॉट टू बी फॉर 1 lakh कैश डाउन, बट बी पेज ओनली 25,000 एज अर्नेस्ट मनी and promises to pay the balance on next Sunday. Part payment aaya hai. On the other hand, A gives the possession of plot to B and promises to execute sale deed on the receipt of whole amount. Dono party ne aadha kaam kar rakha hai. Aadha paisa mila hai, ya matlab installment mein paisa mila hai, paise to 25,000 mile hai, matlab 25% paise mile hai. Aur usne bhi kaha jao possession le lo, मगर जब तक हम सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो आप रियल ओनर तो नहीं बनोगे. पोजेशन मतलब आप पोजेस कर रहे हो, वो चाबी मिल गया उस प्लॉट का, उस प्लॉट पे आप जाके कुछ भी काम करना चाहते हो वो कर पा रहे हो आप, बट रियल ओनर अभी भी मैं हूं क्योंकि मैंने सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं किया. द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी इज एग्जीक्यूटरी बिकॉज देयर रिमेन समथिंग टू बी डन ऑन बोथ द साइड्स. ये इंपॉर्टेंट है. देयर रिमेन समथिंग टू बी डन, ये लाइन पे नंबर मिलने वाला आपको. एग्जीक्यूटरी मतलब चाहे वो बाइलैटरल हो या यूनिलैटरल हो, देयर रिमेन्स समथिंग टू बी डन. और जब कुछ भी करने को नहीं है, सब कुछ हो चुका है, तो वो एग्जीक्यूटेड है. Executory contracts are also known as bilateral contracts. अब हम उसके बाद proposal, offer ये सबको और detail में समझेंगे.
बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक हल्का सा छोटा सा रिवीजन कराएं हम आपको। अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं।